गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर। हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज नई हेडिंग लेंगे, एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन। अब पहले एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, है ना? तो हमने, जैसे हमें पता है कि जो एंटीजन के अगेंस्ट काम करते हैं, है ना, हमारी बॉडी में जो एंटीजन्स होते हैं, मतलब जो रोगजनक होते हैं, उनसे बचाने के लिए जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, जिसके द्वारा वो क्या होते हैं, वो एंटीबॉडीज़ होते हैं। जैसे मैं आपको इसकी डेफिनेशन में बताती हूँ, एंटीबॉडीज़ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स हैं। क्या होते हैं एंटीबॉडीज़? ये प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीजन को जवाब देने के लिए निर्मित होते हैं। जब भी हमारी बॉडी में किसी तरह के रोगजनक पहुँच जाते हैं या जिसके द्वारा हमारी बॉडी में रोग उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो एंटीजन कहलाते हैं। और जब इन रोगों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में जो रिस्पॉन्स होता है, वो एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। तथा ये विशेष रूप से उस एंटीजन से प्रतिक्रिया करती है जो इससे अत्यधिक संबंधित होता है। ये एंटीजन के प्रभाव से जंतु को सुरक्षित रखती है, मतलब जो भी पैथोजेंस हैं, रोगजनक हैं, उनसे हमारे शरीर को बचाने का काम करती है। इसके बाद है स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या है? जैसा आप स्ट्रक्चर में इसमें देख रहे हैं, है ना, इसका जो मॉलिक्यूल होता है ना, प्रत्येक अणु एक पॉलीमर से मिलके बना होता है, बेसिक यूनिट से, जिसमें क्या होती हैं, हैवी चेन और लाइट चेन, दो से मिलकर बना होता है। और ये चेनें जो होती हैं, ये डाईसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। ये क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन के प्रत्येक अणु में एक बेसिक यूनिट या प्रोटीन का मोनोमर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन का मोनोमर पाया जाता है। ये मोनोमर चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि ये किससे बना हुआ है, चार पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है। ठीक है, और इसमें जो दो समान चेन्स हैं, एक हैवी चेन है और एक लाइट चेन है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ये रहा हैवी चेन, है ना, और ये है लाइट चेन। दोनों में इसी तरह से है, दोनों ये हैवी चेन और ये जो है लाइट चेन, जिनमें दो एक समान हैवी चेन और एक दूसरे खंड में लाइट चेन्स पाई जाती हैं। ये एक दूसरे से डाई सल्फाइड लिंकेज द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ये किससे जुड़ी होती हैं, आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। ये यहाँ पर ये देखिए, ये सभी जगह जो है ये डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, इस तरह से। ये एक दूसरे से डाईसल्फाइड लिंकेज द्वारा जुड़े होते हैं और वाई के आकार की संरचना बनाते हैं। यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमें ये कैसा दिख रहा है, वाई शेप्ड संरचना बनती है। तो क्या हो गया, सबसे पहले एंटीबॉडीज़ क्या हो गए? ये प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाने वाले एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ये होते हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है, अब इनका संरचना कैसी होती है, ये कैसे होते हैं, इनकी जो बेसिक यूनिट होती है वो प्रोटीन के मोनोमर से बनी होती है। ये और ये मोनोमर कैसे होते हैं, ये चार पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। ठीक है, जिसमें लाइट चेन और हैवी चेन दोनों पाई जाती हैं। और इसका स्ट्रक्चर यदि हम बेसिकली देखें तो वाई शेप्ड हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब लाइट चेन क्या होती है, लाइट चेन का मतलब हो गया, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये, ठीक है, इनके बारे में बात कर रहे हैं। प्रत्येक लाइट चेन का अनुभार 25,000 होता है। कितना होता है? 25,000 होता है। तथा ये लगभग 200 से 217
अम्लों की बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं, इसमें कितने अम्ल पाए जाते हैं, लगभग 200 से 217। ये चेन्स दो प्रकार की होती हैं, एक कप्पा तथा दूसरी लैम्डा। इम्यूनोग्लोबुलिन IG के एक अणु में केवल एक ही प्रकार की L चेन पाई जाती है। किसमें यदि पूछा जाए कि IG में कौन सी चेन पाई जाती है, तो सिर्फ जो है L चेन पाई जाती है, या तो कप्पा या फिर लैम्डा। किंतु सभी प्रकार की IG में दोनों प्रकार की चेन्स पाई जाती हैं। तो ये किसकी हो गई, इम्यूनोग्लोबुलिन के IG में यदि पूछा जाए तो केवल एक ही प्रकार की L चेन पाई जाती है, लेकिन बाकी सभी में पूछी जाए तो इसमें दोनों तरह की, दोनों प्रकार की से क्या मतलब हो गया, हैवी भी और लाइट भी, दोनों तरह की चेन पाई जाएंगी इसमें। इसके बाद है हैवी चेन। हैवी चेन में क्या है, प्रत्येक हैवी चेन का अणुभार लगभग 50,000 से 70,000 होता है। लाइट चेन का अणुभार कितना था, 25,000, ठीक है। और ये कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई थी, 200 से 217। अब हैवी चेन का कितना है, 50,000 से 70,000 तथा लगभग 450 से 500 अमीनो एसिड का बना होता है। H चेन पांच प्रकार की होती हैं तथा उन्हीं के आधार पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स को पांच प्रकारों में विभक्त किया गया है। अब ये किसके आधार पे, हैवी चेन के आधार पर इम्यूनोग्लोबुलिन को जो है पांच प्रकारों में डिवाइड किया गया है, विभक्त किया गया है। जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, तो ये क्या हो जाएगी, IgG, ठीक है। फिर अल्फा IgA, म्यू IgM, डेल्टा IgD और एप्सिलॉन हो जाएगी IgE। इस तरह से हम इनको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। फिर किंतु एंटीबॉडी के एक अणु में दोनों हेवी चेन एक समान होती हैं। किसी एक अणु में यदि इसकी संरचना देखेंगे एंटीबॉडी के, तो क्या होगा कि दोनों जो हैवी चेन है वो समान होंगी। हैवी चेन तो समान होंगी, लेकिन जो है लाइट चेन और हैवी चेन, ये दोनों अलग अलग होंगी, क्योंकि हैवी चेन की जो संरचना है वो कैसी है, ऐसी है ना, और साथ में लाइट चेन जो है वो ऐसी है। ये हो गई हैवी चेन और ये हो गई लाइट चेन यहाँ पे, तो ये इस तरह से बन जाएगी। फिर इम्यूनोग्लोबुलिन की प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन में एक स्थिर तथा परिवर्तनशील क्षेत्र होता है। स्थिर क्षेत्र मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। अब उसमें क्या है, प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन का आधा कार्नोक्सी सिरा सी रीजन कहलाता है। जो कार्नोक्सी क्षेत्र होगा वो क्या कहलाता है, सी रीजन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो भाग है ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। ये जो पीछे वाला भाग है जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, इनको सी रीजन भी कहते हैं, कांस्टेंट रीजन भी कहते हैं और कार्नोक्सी रीजन भी कहते हैं। ये चेन का आधा अगला भाग होता है, जैसा कि हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर में कि ये आधा, मतलब यदि पूरा स्ट्रक्चर देखें तो आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, तो ये कैसा है, आधा आगे का भाग है, ठीक है। समस्त एंटीबॉडीज में H और L दोनों चेन्स के कांस्टेंट क्षेत्र में एमिनो एसिड अवशेष वास्तव में समान होते हैं। L चेन का C क्षेत्र लगभग 110 एमिनो एसिड का बना होता है। अब ये वाला जो भाग है, ये इसमें कितने एमिनो एसिड लगे हुए हैं, 110, कौन सा, आगे वाला, ये जो कांस्टेंट रीजन है इसमें एमिनो एसिड के लगभग 110 जो है भाग एमिनो एसिड जुड़े होते हैं, तथा एच चेन का सी क्षेत्र लगभग 210 से 430 एमिनो एसिड का बना होता है। अब ये कौन सा भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया एच। यदि हम इसका खाली स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसा बन रहा है, एच जैसा है ना, और यदि पूरा देख रहे हैं तो ये एल शेप्ड बना हुआ है। तो जो इसका एच वाला भाग है, यानी ये वाला भाग है, इसमें कितने हैं एमिनो एसिड, 210 से लेके
430 तक, ठीक है, तथा एच चेन का सी क्षेत्र लंबा होता है। अब इसका जो कांस्टेंट वाला रीजन होगा वो कैसा होगा, वो लंबा होगा। इम्यूनोग्लोबुलिन की एच चेन्स का वह भाग जो एंटीबॉडी जुड़ने से संबंधित नहीं होता उसे एफसी खंड कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, जिसका मतलब कोई काम नहीं है, एंटी एंटीजन के साथ में जिसका कोई कांटेक्ट नहीं है उसको क्या कहेंगे, उसको एफसी खंड कहते हैं। इसका संबंध जैव वैज्ञानिक गतिविधियों से होता है। इसके बाद है वेरिएबल क्षेत्र। अब वेरिएबल क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसमें एच और एल चेन्स का एमिनो टर्मिनल अर्धांश मतलब एमिनो टर्मिनल हाफ वेरिएबल क्षेत्र का वी वर्जन कहलाता है। वी रीजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, ये वाला जो आगे वाला भाग है ये क्या है, ये वी रीजन कहलाएगा। विभिन्न एंटीबॉडीज में वी रीजन के एमिनो एसिड भिन्न भिन्न होते हैं। अब इस रीजन में जो है एमिनो एसिड की संख्या क्या होगी, वो अलग अलग होगी। एच और एल चेन्स में वी क्षेत्र आपस में जुड़कर एंटीजन कंबाइनिंग स्थान बनाते हैं। एच और एल चेन्स के वेरिएबल क्षेत्र वी एच और वी एल द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इनको किससे प्रेजेंट करते हैं, वी एच और वी एल, यानी यदि इस भाग को हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको, वी एच से, ठीक है, और यदि हम इस भाग को प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कैसे होगा, वी एल से होगा। इस तरह से इनके भागों को प्रेजेंट किया जाता है। यह स्थान एंजाइम के सक्रिय स्थान के समरूप होते हैं, अतः यह एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया से संबंधित हैं। प्रत्येक मोनोमरिक आईजी अणु में दो एंटीजन कंबाइनिंग स्थान होते हैं जो वाई की दो भुजाओं की तरह प्रदर्शित होते हैं। अर्थात एक एंटीबॉडी दो एंटीजन अणुओं से जुड़ सकती है। कैसे जुड़ सकती है, इस रीजन में है तो यहाँ से जुड़ सकती है और इस रीजन में है तो यहाँ से जो है वो एंटीबॉडी से जुड़ सकती है। इसके बाद है इम्यूनोग्लोबुलिन के खंड, टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जैसा अभी हमने देखा था कौन कौन से थे, IgG, IgM, IgG, IgA, IgD और IgE, पांच में इनको डिवाइड किया हुआ था। अब IgM क्या है, ये प्राथमिक एंटीबॉडी जवाबदेही के प्रमुख एंटीबॉडी है, मतलब जो सीधे रिस्पॉन्स करती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स जो देती है वो कौन सी है, IgM है। मतलब जैसे ही एंटीजन का इफेक्ट होता है और उसके अगेंस्ट जब एंटीबॉडी अपना काम करना शुरू करती है तो सबसे पहले कौन सी आएगी, IgM, ये प्राइमरी होती है जो कि एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है। ये प्राथमिक एंटीबॉडी जवाबदेही की प्रमुख एंटीबॉडी है। ये आकार में सबसे बड़ी होती है। IgM जो है वो कैसी है, साइज में सबसे बड़ी होती है। जब बी लिम्फोसाइट को प्रेरित किया जाता है तब एंटीबॉडी सर्वप्रथम प्रकट होती है, मतलब बी लिम्फोसाइट अपना जब काम करेगी। अभी हमने स्ट्रक्चर में जब देखा था टी सेल बी सेल में, तो बी लिम्फोसाइट्स कहाँ कहाँ पर काम कर रही थी, तो जब बी लिम्फोसाइट एक्टिव होती हैं उस समय जो है एंटीबॉडी ये भी एक्टिव होती हैं, अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। यह है मनुष्य सामान्य के सेरा में मौजूद IgS तक का 10% होती हैं। इस एंटीबॉडी का प्रत्येक अणु एक पेंटामर के रूप में होता है। अब इसका IgM का जो अणु होता है ये किस किस रूप में होगा, ये पेंटामर के रूप में होता है जिसमें 5 यूनिट होती हैं और जो SS यानी सल्फाइड बॉन्ड से J चेन से जुड़ा रहता है। प्रत्येक 10L चेन्स या 5 यूनिट IG अणुओं पर केवल एक J चेन पाई जाती है। ये J चेन अम्लीय होती है और इसका अणुभार 15,000 होता है, ठीक है। ये हुआ IgM के बारे में। इसके बाद है IgG। अब IgG का क्या काम है, ये परिसंचरण करने वाली मुख्य एंटीबॉडी है, जो मतलब परिसंचरण से क्या मतलब हो गया, ये बॉडी में जो है ये घूमती रहती है। सबसे पहली कौन सी थी, IgM थी जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। दूसरी कौन सी हो गई, IgG जो क्या करती है, ये सर्कुलेटरी में
सर्कुलेशन करती है पूरी बॉडी में, है ना, करने वाली एंटीबॉडी होती है, जो कि सामान्य मनुष्य के सेरा में मौजूद एंटीबॉडीज़ का 75% होती है। मतलब हमारी पूरी बॉडी में जितना जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं उसमें IgG जो है वो 75% भाग होती है। IgG के प्रत्येक अणु में 2 L चेन्स और 2 H चेन्स होती हैं। L और H से क्या मतलब हो गया, जो हमने देखी थी हैवी और लाइट चेन्स, जो कि 20 से 25 SS बॉन्ड्स द्वारा जुड़ी रहती हैं। मतलब SS बॉन्ड से मतलब हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। जुड़ने वाला क्षेत्र मध्य में भारी चेन के नज़दीक होता है। IgG के 4 उपवर्ग होते हैं जिन्हें एच चेन एंटीजेनिक अंतरों के आधार पर बनाया गया है। इसके बाद है IgA यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ये क्या होता है, ये IgG के समान है, मतलब जो क्या कर रहा है, सर्कुलेशन कर रहा है, परिसंचरण करने वाली जो एंटीबॉडी है उसी के समान काम करता है, किंतु कभी कभी यह डाइमर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, डाइमर के रूप में। इससे पहले जब हमने IgM देखा था वो किस रूप में था, वो पेंटामर के रूप में था, है ना, और ये किस रूप में होता है, ये डाइमर के रूप में होता है। ये मनुष्य के सीरम में IgG की 15% यानी 15% होती है। यह है स्रावणों की प्रमुख IgG होती है, मतलब जो सेक्रेशन होते हैं बॉडी में उसमें बनने वाली है, और ये लगभग कितनी होती है, 15% बनती है, तथा सेक्रेटरी IgA कहलाती है। यह श्वसनांगों तथा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ाती है। मतलब ये कहाँ पे काम कर रही है, एक तो रेस्पिरेटरी में ऑर्गन्स में काम कर रही है, दूसरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर काम कर रही है, वहाँ पर जो है ये रोगों से लड़ने का काम करती है। यह लार आंसू तथा पोषण प्रदान करने वाली माता के पहले दूध में पाई जाती है। जो कहते हैं ना कि पहला दूध बच्चे को देना चाहिए क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ होता है, तो कौन सा एंटीबॉडी होता है उसमें, IgA होता है, ठीक है। सेक्रेटरी IgA प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा भिन्नित विभिन्न स्थानों पर म्यूकस झिल्ली द्वारा स्रावित की जाती है। ये किस रूप में सेक्रेट किया जाता है, म्यूकस के रूप में। यह विषाणुओं को निष्क्रिय कर देती है तथा बैक्टीरिया को एपिथीलियल कोशिकाओं से चिपकने से रोकती है। एपिथीलियल सेल्स क्या होती हैं, जो बाहरी जो लेयर होती है ना, सेल्स होती हैं, उनसे चिपकने से रोकती है, मतलब वहीं पर उनको एंटर करने से, बॉडी पर इफेक्ट करने से वहीं पर रोक देती है। इसके बाद है इम्यूनोग्लोबुलिन डी, IgD। ये क्या होती है, ये एंटीबॉडी सर्वप्रथम माइलोमा प्रोटीन के रूप में पहचानी गई। IgD किसके रूप में मिली है, माइलोमा, ठीक है। ये सीरम के अति अल्प मात्रा में पाई जाती है तथा बड़ी तेजी से विखंडित होती है। ये प्लेसेंटा के रक्त में बी लिम्फोसाइट की सतह पर पाई जाती है। इसका जो पोजीशन है, ये कहाँ पर मिलती है, ये प्लेसेंटा के ब्लड में बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर पाई जाती है। कौन सी वाली, IgD। इसके बाद है IgE। ये क्या है, ये एलर्जिक प्रतिक्रिया से संबंधित होती है। जो एलर्जी हो जाती है जब, तब कौन सी एंटीबॉडी काम करती है, IgE, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एलर्जी से ई, IgE एलर्जी के लिए, तथा व्यक्तियों के सीरम में अधिक पाई जाती है। इनमें एंटीबॉडीज मीडिएटेड एलर्जी होती है। सामान्य मनुष्यों में IgE का सांद्रण बहुत कम होता है। इस एच चेन IgE की एच चेन से बड़ी होती है। इसमें Fc खंड मास सेल्स तथा बेसोफिल्स को बांधते हैं, मतलब इनका जो जो चेन है और इनके जो Fc जो सेगमेंट्स हैं, खंड हैं, ये क्या करते हैं, मास सेल को बांधने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये हुआ हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन के टाइप्स, और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, उसकी संरचना क्या होती है और उनके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।